तो ये फिनिक्स पहले आप ही कहता कि अरे क्यों, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो पहली बार मैं बिल्ली को मैं गोद में उठा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द आरंबोल इन गोवा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आज मैंने नेट पर सर्च किया कि शायद मुझे साइकिल जो रेंट पर मिल जाए, और एक मैंने ये भी सर्च किया कि यहाँ पर ओपन बुक लाइब्रेरी भी है, तो लोग आते हैं वहाँ पर अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। वैसे गोवा में बहुत पुराने पुराने हिस्टोरिकल बुक्स आपको पढ़ने के लिए, नॉवल पढ़ने के लिए आपको मिल जाएंगे। आप वो चार्ज लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये भी मैं देखूंगा वहाँ पर जाके, लेकिन सबसे पहले मुझे एक साइकिल चाहिए। अगर मेरे पास साइकिल रहेगा तो मैं और भी ज़्यादा जगह पर एक्सप्लोर कर पाऊँगा कम समय में, क्योंकि बस का अगर मैं यूज़ किया तो जाहिर सी बात है रुपये भी ज़्यादा लगेंगे और मैं एक्सप्लोर भी ठीक से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गोवा इज़ अ न्यू प्लेस फॉर मी। तो कल मैं नाइट में थोड़ा सा शूट करना चाहता था यहाँ पर बीच का, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं था, और जहाँ पर मैं रुका हूँ तो वहाँ कुछ लोग अपना अपना गाना गा रहे थे, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था लेकिन मुझे अलाउ नहीं हुआ। वरना मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में मैं देखता हूँ ना वैसे, मुझे ज़्यादा इस तरीके का मैंने कभी प्लेस एक्सप्लोर नहीं किया। तो मूवीज़ वगैरह में जब देखता हूँ कि लोग आते हैं अपना जॉब करते हैं, कैफे इस तरीके के रेस्टोरेंट में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जॉब करते हैं, तो उनको कुछ रुपए मिलता है, फिर वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो शौक सिंगिंग वगैरह हो गया वो सब शौक है। तो रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी बार्स वगैरह होते हैं तो वो उनको मौका देते हैं अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। अभी कहाँ पर है यार फिनिक्स रेस्टोरेंट, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिक्स लोकल है यहाँ पर। दोस्त बता सकते हो कि यहाँ पर कहीं साइकिल रेंट पर मुझे मिल जाए कुछ आइडिया? बाइक तो मिल सकती है लेकिन उसका रेंट वगैरह तो ज़्यादा होगा ना। बाइक का क्या रेंट है? बाइक का यार इस साइड में जाकर फोन ले लेंगे, मिलते हैं साइकिल साइकिल वगैरह कुछ सब चेंज है। ओके यार यहाँ पर तो बाइक रेंट का तो मिल रहा है मुझे। बाइक रेंटल ये ब्रेस बाइक रेंटल के लिए तो अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएगा, यहाँ बिल्कुल नज़दीक में ही है, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओ उन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया क्योंकि वो पुराने लोग होते हैं ना, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं कैमरे वगैरह से। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई क्या कर सकते हैं, मतलब बाइक से वो 24 आवर्स घूम सकते हैं अपना। साइकिल वगैरह रेंट पे मिल जाएगा मुझे? बाइक मिलेगा। अच्छा बाइक का क्या चार्जेस है यहाँ पे? 300-400 रुपये स्कूटी बाइक दोनों का? स्कूटी। अच्छा बाइक नहीं मिलता है। और एक कार भी यहाँ रेंट पे मिलेगा? कार भी क्या है, क्या चार्ज? आपको नंबर देता है। और वैसे यार DL होना चाहिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ना? हाँ यार वही चीज़ तो नहीं है, मैं घर पे छूट गया मेरा यार, वैसे बना ही कहाँ था मेरा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर फिनिक्स रेस्टोरेंट जा सकते हो कहाँ पर है? पता नहीं। ओके तो यार आज ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत कमी खल रही यार। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बनवाया था लेकिन फिर बीच में फिर जा नहीं पाया दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कॉल किया था। फिर बाइक रेंट पर लेता मैं तो 300 रुपीज़ लेता वन डे का, तो वन डे में भाई काफ़ी चीज़ें कवर कर सकता था यार। अगर मॉर्निंग से मैं 7 बजे में निकलता तो अगर मैं 10 बजे भी आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेबल है इनका 10 बजे से लेकर शायद रात के 10 बजे तक। ओ, ओए, सर, हेलो, गो होम, हेलो, यो यो,
यहाँ पर बहुत सारे बिल्ली है जो पालतू दिखेंगे यार, और इसके बगल में ही कुत्ता है पर इसको कोई डर नहीं है। यो, तो पहली बार मैं बिल्ली को मैं गोद में उठा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पालतू बिल्ली है यहाँ पे। यो पिशी पिशी, इसका नाम पिशी है। पिशी ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कौन है, ये देखो सामने, देखो देखो कौन है। ओ इसके तो दो दो अलग अलग आँखें हैं। क्या पालतू नहीं है? ओ पिशी देखो सामने, देखो पिशी पिशी। दोस्त यहाँ पर कहीं साइकिल रेंट पे मिल जाएगा यार? नहीं कहीं नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे ज़्यादा पता नहीं, इधर साइड में तो नहीं मिलेगी जैसे। अच्छा यार, जैसे ये बता सकते फिनिक्स रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस किधर है? वो तो पता नहीं, मैं इधर नया हूँ। अच्छा अच्छा, पता नहीं, कोई नहीं, थैंक यू। अबे यार कब मिलेगा यार? तो ये फिनिक्स पहले आप ही कहा था कि अरे रुकियो, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मौसम ही कुछ ऐसा है कि जब मन जब बारिश आ जाता है। तो पहले यहाँ पर ये रेस्टोरेंट तो था, लेकिन अब जो है ये फाइनल टच बन चुका है, मतलब वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब तो आज मेरे हाथ में निराशा, मतलब आज ही नहीं, मतलब आज निराशा मेरे हाथ में लगा। अब जाता हूँ, देखता हूँ कि ओपन बुक लाइब्रेरी खुला है कि नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है मॉनसून में। वैसे देखिए मॉनसून में बीच पे तो आपको मज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो नेचर है ना, क्योंकि जो नॉर्थ गोवा है वो ज़्यादा आपका ग्रीनरी है साउथ गोवा से। साउथ गोवा में थोड़ा पॉश इलाका है। यहाँ तो पॉश तो गया, अब ये ना बंद हो, क्योंकि उसका नाम तो चेंज हो गया, वो बंद हो चुका है। अगर साइकिल रहता मेरे पास तो। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पणजी, मतलब पणजी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आपको साइकिल रेंट पर भी मिलता है। तो जब मैं पणजी जाऊँगा एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं साइकिल के रेंट के लिए पता करूँगा कि कितने कितने पर डे के हिसाब से कितना रुपये वो ले रहे हैं। भैया यहाँ पर कोई मानसी सेठ है क्या? इमेजिनेशन हॉस्टल आगे कहीं लाइब्रेरी है ना यहाँ आसपास आगे? तो यहाँ तो दिखा रहा है इमेजिनेशन हॉस्टल में ही दिखा रहा है बुक लाइब्रेरी। घंटी बजाता हूँ मैं। इमेजिनेशन हॉस्टल ये? हाँ। ये ओपन बुक लाइब्रेरी था ना यहाँ पे पहले? Are you recording? वाह, ये भी बंद हो चुका है। ये इमेजिनेशन हॉस्टल भी बंद हो चुका है, जो ओपन लाइब्रेरी था वो भी बंद हो चुका है यहाँ पे। आज दिन मेरा बहुत बुरा गया यार। नो इशू। तो अगर आप कभी आरामबोल एरिया में आते हैं गोवा के, आरामबोल बीच यहाँ पर, मैड्रिम बीच, बहुत सारे बीच है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो 300 rupees आपको पर डे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कार लेना चाहते हैं तो कार के लिए आपको पर डे 1500 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 week के लिए आप लेते हैं तो पर डे आपको 1200 rupees पे करना पड़ेगा यहाँ पर। खैर आज तो मेरे हाथ में बिल्कुल निराशा ही लगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मतलब देखा, फिर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ नाइट में आप कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। और ये सामने है समुद्र, जो आपको रात में नहीं दिख रहा है।